और रुचिन काशी आरती बापू हमको जो है तालियां जो है लगातार बजाते रहना, जिससे कि हमारा उम्र भी लंबा हो जाए और हम निरोग भी। अभी हम कैमरे में हम सबसे पहले बोलना चाहूंगा, नमस्कार। अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको जुड़ रहा हूँ मोर्शिंग विलेज जो आता है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट पे। आज जो है यहाँ पे जो लोकल विधायक श्री दोर्जी वांगदी खर्मा है उनकी तरफ से जो है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम कम जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो है रखा गया है, जिसपे जो है कई लोग जो है दोर्जी वांगदी के पक्ष पे जो है आज ज्वाइनिंग किया है। और इसी के साथ ही साथ जो है आज यहाँ पे जो ये मोर्शिंग वैली है यहाँ पे जो है नेटवर्क के इशू का जो है काफ़ी पहले से जो है प्रॉब्लम रहा है, तो जिसको जो है आज दोर्जी वांगदी सर ने भी यहाँ का जो लोकल विधायक है उनकी तरफ से भी जो है आश्वासन दिया है कि वो भी इसको देखेंगे, वो ट्रैक करेंगे कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके साथ ही साथ हम आपको लोकल विधायक श्री दोर्जी वांगदी खर्मा से भी मिलाएंगे, उनका भी क्या कहना होगा, आज ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम किस तरह का कंक्लूड हुआ और साथ ही साथ उनका क्या मैसेज रहेगा आने वाला इलेक्शन को लेके, वो भी हम आपके सामने पे रखेंगे। इसी के साथ बने रहेगा अरुणाचल टुडे। सर, आपका आज डेवलपमेंट प्रोग्राम मोर्शिंग विलेज में हम ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी था सर, आज अभी शाम होने को है, किस तरह आज आपका प्रोग्राम रहा है? हाँ, आज ये हमारा सांगले मोर्शिंग डोम को तीनों विलेज मिल के यहाँ डेवलपमेंट मीटिंग भी था, यहाँ फिर ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी था। तो आज यहाँ डेवलपमेंट मीटिंग के साथ साथ पूरा एच ई डी भी आया था। जैसे मीटिंग शुरू हुआ एच ई डी लोग चला गया, तो इसके बाद हमारा पॉलिटिकल जो आपका कार्यक्रम शुरू हुआ, तो मुझे देखा ऐसा ये बहुत दिन से पहले ये बोलता था आपने मोर्शिंग से मेरे यहाँ बहुत कम है, इस तरह का काफ़ी सुनने को मिला, लेकिन आज इसलिए मैं यहाँ देखना चाहता था कि सही में कितना है। तो पता चला यहाँ मोर्शिंग के मेम्बर्स, डोमको संगलम के सभी मेम्बर्स सभी ने ये बताया, और ज्वाइनिंग का जो रूप से देखा 23 हाउस होल्ड ज्वाइन किया है, 23 हाउस होल्ड में हमको देखने को मिला 80 लगभग आदमी ज्वाइन करने को मिला है। और यहाँ जो नेता लोग यहाँ का जो मोर्शिंग डोमको का जो लीडर है, इन लोगों ने बताया कि अभी बहुत अच्छा ये मेरा संख्या में हो गया है और उल्टा लीड भी है जी सर, तो देख के बहुत अच्छा लगा। तो आज श्री प्रेम जोशी का सीनियर लीडर का ज्वाइनिंग का जो प्रोग्राम स्पेशली रहा है सर, तो काफ़ी ऐसा काफ़ी जोश था सर, उसका आप क्या कहना चाहिए? तो ये हमारा जो पेमेंट अशी जो यूथ लीडर है, यूथ बोलने से भी एक बहुत वर्ल्ड एक्सपीरियंस ये आदमी है, और बहुत दिनों से उसका एक न्यूडल ग्रुप का रूप में फॉर्म करके घूम रहा था। न्यूडल ग्रुप को चलते हुए हम लोगों ने हमने काफ़ी कोशिश से उसका साथ में संपर्क करके कुछ कोशिश किया है आने का मेरा साथ देने के लिए। आप पहले वर्ल्ड एक्सपीरियंस लीडर है, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो MLA है BJP का ही है, तो उसका साथ रहने से आपका फ्यूचर में अच्छा भी होगा और आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैंने कई दिनों से उसका हमने आपका अपील किया, रिक्वेस्ट किया, तो कम से कम लगभग तीन साढ़े तीन महीना लगा, तो ये सही में सोच के उसने अपना कॉन्शियंस को सोचते हुए उसने मेरा साथ सोचते हुए उसने मेरे साथ ज्वाइन किया। और जो अभी पहले हमने जो बताया 23 हाउस होल्ड का लगभग और 80 के आसपास लोग जो वोटर्स मुझे सहयोग दिया, तो इनका ही द्वारा से इनका थ्रो से आज ये प्रोग्राम बनाया और बहुत ही सक्सेसफुल मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा है। सर, आप यहाँ का लोकल विधायक सर, अभी बहुत ही जल्द ऑटो कंडक्ट भी लागू होंगे, बहुत ही पीसफुल है अभी माहौल सर, तो आप इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इलेक्शन है उस तरह से? नहीं, ये तो बहुत ही पीसफुल होगा, मुझे कभी ऐसे सोचा नहीं कि ये कुछ आपका अनबन हो किसी आपस में न हो, क्योंकि एक डेमोक्रेसी कंट्री के तौर पर आया है, तो इसके चलते मैं हमेशा अभी तक तो कभी साल भर से यहाँ कैंपेन चल रहा है, तो मैंने कभी किसी को ऐसा अनबन का शब्द नहीं हुआ, और प्लस इन लोगों की तरफ से हमें सुनने को खास नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमेशा इलेक्शन हमेशा पीसफुली हो, मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ कि कभी लास्ट टाइम 2019 में जैसे हुआ, मैं ऐसे आशा करता हूँ और कभी इस तरह का अनबन ना हो, किसी आपस में इनडिसिप्लिन ना हो। हाँ, तो इसके चलते एक दोनों ग्रुप मतलब मेंटेन करना पड़ेगा कि हमें इतना मेंटेन करें ऐसा बात नहीं होता है, और साल भर से करीब करीब 13-14 महीने से हम यहाँ में जैसे ऐसा लगा कि बहुत काल को वोटिंग होने वाला है, इसी तरह यहाँ में माहौल बना, फिर भी मैंने बहुत अपना दिल में संयम रखा है और रखते हुए मैंने काफ़ी पीसफुल मेंटेन किया और कुछ भी ऐसा होने नहीं दिया अभी तक भी, और फ्यूचर में मैं आशा हूँ ऐसा होगा भी नहीं। और ख़ास करके मेरा हमारा अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी है, आपका BJP का जो आइडियोलॉजी है हम लोग से बोल के 10 गुना वो ज़्यादा जानता है, 100 गुना ज़्यादा जानता है,
वो समय आने में उसको वो संभल लेगा। ऐसा कुछ अपना भाई के बीच में ऐसा कुछ हो ऐसा वो भी नहीं सोचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आइडियोलॉजी के बीजेपी मुताबिक है और हम पूरा फुल विश्वास है कि तो हमको ही मिलेगा। और पार्टी का चलते सिस्टम का जो भी डिसिप्लिन हो, ऐसे में हमने कभी ये इनडिसिप्लिन शो नहीं किया कि हाँ बीजेपी गवर्नमेंट हमें टिकट काटती, ऐसा मैंने कभी आशा भी नहीं किया और करेगा भी नहीं। समय आएगा, मुझे 100% विश्वास है और मुझे ही सपोर्ट देगा, मुझे ऐसा विश्वास है। सर, सर आप आज मोशन में है, यहाँ पे जैसे टावर तो बन रहा है सर, लेकिन यहाँ का जो आम जनता है, आपने पहले भी आश्वासन दिया और टावर बन भी रहा है सर, लेकिन आपकी तरफ से एज अ लोकल विधायक आप क्या कहना चाहेंगे, जो नेटवर्क है थोड़ा जल्दी से बन जाए, यहाँ का लोगों का कहना है कि यहाँ में ऐसे है आपका टावर तो बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है कभी ऐसे टावर का जो अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने आईटी टावर का नाम से काफ़ी यहाँ में अलॉट किया, हर एक तीन तीन चार चार गाँव मिल के जहाँ में अपना टावर का फैसिलिटी जो कनेक्शन बन पाएगा वहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, बस वही है कॉन्ट्रेक्टर का आपस में थोड़ा कहीं जो हाँ उसमें हम ये बोलेगा कि आपका यहाँ डायरेक्टली लोकल कॉन्ट्रेक्टर को दे दिया होता तो ये आज तो बन भी जाता, कहीं ऐसे सुनने में आया कहीं आसाम तरफ से कोई एकदम ये नोटिस का कोई आदमी टेंडर हुआ इसके बाद साफ कॉन्ट्रेक्टर पर यहाँ किसी को दिया, उसी ने फिर यहाँ गाँव गाँव का जो जो आप कॉन्ट्रेक्टर उसको दिया गया, उसमें कम्युनिकेशन गैप होके हो रहा है। तो मैं यहाँ से जाने के बाद गवर्नमेंट से पूछूंगा उसको कि अभी तो इसका मतलब प्रयोग में नहीं आ रहा है, उसका आगे क्या प्लान है, हम भी छानबीन करेगा उसको पूछेगा। और मैं आशा हूँ जैसे हमारा बालेमो में काफ़ी तकलीफ था, हम आने के बाद जैसे गवर्नमेंट का साथ मिला हाँ तो और साथ में सहयोग देते हुए हमने भी बहुत दुर्भाग्य किया, तो वहाँ भी फैसिलिटी चल रहा है अच्छा से, और यहाँ में कॉन्ट्रेक्टर अगर सही साल में बना होता तो ये भी तो यहाँ बन जाता अभी तो मैं आने वाला में बहुत कोशिश करूंगा, आने वाला क्या अभी 2-3 महीना अभी भी है तो हम उसमें विश्वास करेंगे, जानकारी लेंगे, लेने के बाद हम यहाँ पब्लिक का सेवा के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे। मुझे आशा है ये इलेक्शन पहले अगर हो जाए तो अच्छा है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, फॉर्मर JPM संगीत ऋषि सर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा बात कहा गया, जिसमें आज के दिन में गूगल का जमाना है, शेरगांव रूपा खलकतंग इस तरह का नहीं होता है, तो उसमें कम्युनल हारमोनी को लेकर उसने कहीं अच्छा बात कहा, इसमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें सही कहा उसने, जो भी हो अभी जैसे अब हमारा कम्युनिटी में हमारे ये सॉरी 5 कलकतंग में हमेशा से कहता है कि सब दो कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी में अभी तो शेरुपिन है और मोनपा है, इसका आपस में कोई भी आनबान ना हो, हम जैसे पहले बताया और फ्यूचर में होने का भी नहीं है सर, मैं जितना सा तो कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें दो कम्युनिटी होने नहीं देती, कोई सोचता है कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग करे या ना करे उस तरफ का भावना भी लेके आता होगा, लेकिन हमारा विचार है अभी तो कभी दोनों कम्युनिटी अपना भाईचारा मान के यहाँ सदियों से चल के आया अभी भी चलेगा और फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो मैं उसका सहयोग करता हूँ। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपका इलेक्शन सामने आ गया सर? हाँ अभी सामने तो आया, लेकिन हम तो आपको पहले बताया आप 13-14 महीने सामने तो चल ही रहे, फुल स्विंग में चल रहे, तकलीफ काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे कोई नहीं बिना तकलीफ का आपका कोई सक्सेस नहीं होता है, और साथ साथ में हमारा हाई लेवल का एक आशीर्वाद जैसे भी चाहिए तो आशीर्वाद है, हाई लेवल का आशीर्वाद बिना तो कुछ होते भी नहीं ना, तो फिर भी हमने भी इस हाई लेवल का आशा भी करता हूँ, साथ साथ में हमने जो अपना काम का सामने मुझे संभाला, मैंने काफ़ी पुलिसिंग में काम किया, डिसिप्लिन में काम किया, और आने वाला में मुझे मेरा तो फुल विश्वास है तो अपना सन ऑफ द सोयल का मौका तो मिलेगा, और हम तो भी फेंगे हमको ये पब्लिक चुनेंगे, मुझे ये 100% विश्वास है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर भी हमें ये आशीर्वाद मिलेगा, टिकट हम देगा और ये सब कोई दोहरा ही नहीं।